नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है व्याकरण सागर में। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे शब्द विचार अध्याय के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, और शब्दों का यह वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है। पहला है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कल हम सीख चुके थे, आइए आगे बढ़ते हैं रचना के आधार पर। अब बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो देखिए रचना के आधार पर भी शब्दों को पुनः तीन भागों में बांट दिया। इसके तीन भेद माने गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहला जानते हैं रूढ़, कि रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ है कि वे शब्द, रूढ़ शब्द से तात्पर्य है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखो बच्चों, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, उनको अलग करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, कोई स्वतंत्र या सार्थक अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। और उनका केवल एक ही अर्थ होता है, कोई एक अर्थ निश्चित होता है, कोई अन्य अर्थ उसका नहीं होता। अब जैसे उदाहरण के लिए रात, रा और त, आप रा को अलग कर दो, त का अलग, रा जमा त, ना तो त का अपने आप में कोई अर्थ होगा और ना ही रा का। तो इस प्रकार रात का अर्थ क्या होगा, रात, रात का मतलब रात ही है, कोई और अर्थ इसका नहीं है। इसी प्रकार से पशु, प और श, शु दोनों को अलग कर दें, अपने आप में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। मेज़, मे को अलग कर दो, ज का अलग कर दो, कोई इनका अपने आप में अलग से अर्थ दोनों का नहीं होगा, सार्थक टुकड़े नहीं होंगे ये, और इनका केवल एक ही अर्थ है, जो इनका नाम है वही उनका अर्थ है, इससे अलग अन्य कोई अर्थ इनका नहीं होता। तो बच्चों, ये जो रूढ़ शब्द है इनको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सामान्य रूढ़ और दूसरा है विशेष रूढ़। रूढ़ का मतलब तो ये क्या होता है कि एक तरह से समाज में प्रचलित हो गए, अपने अर्थ के लिए जो शब्द समाज में प्रचलित हो गया अपने मूल अर्थ के लिए वही रूढ़ है, और खंड करने पर जिसका कोई अर्थ न निकले। तो जो सामान्य रूढ़ शब्द हैं, पेड़ है जैसे, पौधा, नदी, पहाड़, इनके आप खंड करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जो पेड़ का अर्थ है तो पेड़ ही है, नदी का अर्थ नदी ही है, नदी का मतलब कुछ और नहीं है। तो ये तो हैं सामान्य रूप से जो रूढ़ हो गए, प्रसिद्ध हो गए, प्रचलित हो गए समाज में, वो कहलाते हैं सामान्य रूढ़। और दूसरा है विशेष रूढ़ शब्द। अब विशेष रूढ़ शब्द का मतलब क्या है, कि जब किसी शब्द के मूल अर्थ का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में किया जाता है तो वह शब्द दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। जैसे अब देखिए, एक शब्द हम लेते हैं, मान लीजिए गधा। गधा शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है, गधा शब्द का अर्थ होता है एक पशु, चौपाया पशु, चार पैरों वाला पशु। अगर आप कहें सड़क पर गधा खड़ा है तो आप क्या समझेंगे, भाई एक गधा खड़ा है, पशु जो धोबी के कपड़े लेकर जाता है। अगर यही वाक्य मैं घर में बोलूं या घर में कोई कहे या हम आपस में बात करें, और जब मैं ये कहूं कि इस गधे की समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता, तब हम इसका अर्थ क्या लेंगे, तब हम इसका अर्थ जिस व्यक्ति के विषय में हम ऐसा कह रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में ही लेंगे। आप कहें कि मोहन तो गधा है, तो मतलब ये नहीं कि मोहन जो है वो चार पैरों वाला जानवर है, नहीं, ऐसा नहीं है, मोहन की समझ में नहीं आता कुछ भी, और गधा जो है वह आप जानते हैं कि मूर्खता का पर्याय होता है, मूर्खता का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए गधे की मूर्खता का लक्षण हमने मोहन में आरोपित कर दिया। और जब हम ये उसको गधा कहकर बुलाएंगे कि भाई मोहन तो
गधा है, तो यह उसका विशेष अर्थ हो गया। तो जो गधे का शब्द है, का अर्थ है मूर्ख, वह विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं और स्पष्ट हो जाएगा। बैल एक पशु होता है और रूढ़ अर्थ क्या है उसका? परिश्रमी। जैसे गधे का रूढ़ अर्थ क्या हो गया? मूर्ख, मूर्खता का प्रतीक है। ऐसे बैल मेहनत का, परिश्रम का प्रतीक है। वह बैल की तरह काम करता है। आगे होगा समझ में कि रूढ़ शब्द क्या है, कि एक तो रूढ़ शब्द उसको कहेंगे जिसके कोई भी सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये दो भागों में बांटे गए हैं। फिर सामान्य रूढ़, ये सामान्य रूढ़ शब्द हैं जिनका अपने सिवाय कोई अन्य अर्थ नहीं होता। जिस अर्थ में ये, जिस नाम से ये बोले जाते हैं वही अर्थ देते हैं, अन्य कोई अर्थ ये नहीं देते। दूसरा है विशेष रूढ़ शब्द। विशेष रूढ़ का मतलब क्या है? ये शब्द किसी मूल अर्थ का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए किए जाने के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको उदाहरण दिए थे कि गधा एक पशु है और मूर्खता का लक्षण लेकर के बोलेंगे तो मोहन तो गधा है, तो इस प्रकार यह मूर्खता के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। अब है दूसरा यौगिक शब्द। योग शब्द, यौगिक का मतलब जो यौगिक शब्द है वो बना है योग से। योग कहते हैं दो चीज़ों को जोड़ने को, मिलाने को। तो यहाँ यौगिक शब्द एक से अधिक इकाइयों को मिलकर बने यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक इकाइयां जब आपस में मिलती हैं तो वह यौगिक बन जाते हैं, जैसे विद्या जमा आले विद्यालय। और ये भी यौगिक शब्द तीन प्रकार से इनकी रचना होती है। तीन प्रकार से यौगिक शब्द बनते हैं। पहला है मूल शब्द जमा मूल शब्द, कि मूल शब्द में मूल शब्द जुड़ने से भी क्या बनता है? यौगिक। यानी दो हमने पदों को, दो शब्दों को मिला दिया तो क्या बन गया? घोड़ा जमा सवार घुड़सवार, रसोई जमा घर रसोई घर। तो मतलब दो मूल शब्दों को जिनका अपना ही अर्थ होता है, उसके लिए ही वे प्रसिद्ध होते हैं, उन दो मूल शब्दों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? यौगिक। यौगिक शब्द मूल और मूल दोनों मूल शब्दों को मिलाने पर एक तो इस प्रकार से रचना होती है मूल शब्द की। दूसरा प्रकार किस तरह से होती है? मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर। मूल शब्द में अगर प्रत्यय, प्रत्यय आप जानते हैं किसे कहते हैं ना, है ना, कि वो शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं और जो आरंभ में जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो ईमान शब्द में दार प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? ईमानदार। धन में वान प्रत्यय जोड़ दिया, धनवान। सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ गया, सुंदरता। और बालक में पन प्रत्यय जोड़ दिया तो बालकपन। तो इस प्रकार मूल शब्द में प्रत्यय जुड़कर इस प्रकार से रूप बनेगा। मूल शब्द में मूल शब्द जुड़ने से यह रूप बनेगा। और तीसरा है उपसर्ग। उपसर्ग जुड़ने से भी यौगिक शब्द बनते हैं। किस प्रकार से? देखो, आरंभ में जो जुड़ते हैं अभी आपको बताया और आप जानते भी हैं कि उपसर्ग कहलाते हैं। बे उपसर्ग है। बे में हमने ईमान जोड़ दिया, क्या बन गया? बेईमान। इसी प्रकार पढ़ शब्द है, मूल शब्द क्या है? पढ़। तो पढ़ में अन प्रत्यय, अन उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया? अनपढ़। शील मूल शब्द में सु उपसर्ग जुड़ गया, सुशील। तो इस प्रकार ये यौगिक शब्द, यौगिक शब्दों के अर्थ भी रूढ़ शब्दों की तरह ही निश्चित होते हैं। इन्हीं को मूल यौगिक या सामान्य यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, योग रूढ़ शब्द सामान्य रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तब वह योग रूढ़ कहलाता है। किसी अन्य अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो वह योग रूढ़ कहलाता है। जैसे घर और वाला। वैसे तो हम क्या कहेंगे? घर, घर वाला शब्द को आप अलग करके लिखेंगे, घर जमा वाला, यानी जिसका घर है वही घर वाला। का शाब्दिक अर्थ तो यही निकलेगा कि घर का मालिक। और वैसे हम कहें कि वह गीता का घर वाला है तो यहाँ पर घर वाला शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? गीता के पति के लिए।
अक्षर अ उपसर्ग मूल शब्द में मूल शब्द क्षर में अ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया अक्षर, और जिसका अर्थ क्या होता है कि जिसका अक्षर जिसका नाश न हो, ठीक है ना। और वैसे हम इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हो रहा है अक्षर, शिव ब्रह्मा और विष्णु को भी अक्षर कहते हैं। जलज, जल जमा ज, जल में ज जुड़ने के कारण, यहाँ पर ज शब्द का अर्थ होता है बच्चों जन्म लेना, उत्पन्न होना। तो जल में उत्पन्न होने वाला कौन है, अर्थ तो ये हुआ जल में उत्पन्न होने वाला, तो कोई भी जल में जन्म उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो जल में उत्पन्न होने वाला कौन है, जलज, जलज शब्द जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वैसे तो कमल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अन्य अर्थ भी हैं, शंख और मछली भी, वो भी जल में ही उत्पन्न होते हैं। अन्य उदाहरण जो अन्य अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे लंबोदर, पीतांबर, गजानन, चारपाई आदि। चारपाई हम और किसी को नहीं कहेंगे, चार, अब चारपाई का अर्थ क्या है शाब्दिक अर्थ, कि जिसके चार पैर होते हैं, चार पायों वाली, तो चार पाय वाली तो बच्चों कुर्सी भी होती है, मेज़ भी होता है, हम हर किसी को चारपाई नहीं कहते, ये अपने ही अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए, कुछ विशेष अर्थों के लिए जो चीज़ों के लिए प्रयुक्त होते हैं या रूढ़ हो गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, योग रूढ़। अब है तीसरा, प्रयोग के आधार पर, तीसरा क्या है प्रयोग, तीसरा जो हमने वर्गीकरण किया था, पहला वर्गीकरण था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ लिया रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, यानी व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर हम शब्दों का किस तरह से प्रयोग करते हैं, उनको प्रयोग करने के लिए क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या प्रकार्य हैं। तो देखिए शब्दों के कौन कौन से ऐसे प्रकार्य हैं, इस आधार पर भी उनके ये भेद हैं, निम्नलिखित भेद हैं कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। देखो बच्चों, इनके आधार पर, संज्ञा शब्दों के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, अव्यय के आधार पर, हमने ये देखना है किन में परिवर्तन हो सकता है किन में नहीं। तो इस आधार पर शब्दों को कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया, एक तो विकारी और एक अविकारी, पढ़ लेते हैं एक बार। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से उनके रूप बदलते रहते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे मैं ये कहूँ कि वह कल दिल्ली जाएगा, और दूसरा ये कहा जाए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी या वे कल दिल्ली जाएंगे, इनमें व्याकरण के आधार पर वह में भी परिवर्तन हो गया और क्रिया में भी परिवर्तन हो गया कि वह कल दिल्ली जाएगा, और हम ये कहें वे कल दिल्ली जाएंगे तो यहाँ वचन के आधार पर बदलाव आ गया। तो यानी जिन पदों में, जिन शब्दों में व्याकरण के आधार पर परिवर्तन आ गया, उनका रूप बदल गया, वो तो कहलाते हैं विकारी, और जिनके रूप में, जैसे अभी वे कल दिल्ली जाएंगे, कल शब्द दोनों वाक्यों में ऐसे का ऐसे रहा, वह कल दिल्ली जाएगा और वे कल दिल्ली जाएंगे, दोनों में कल के रूप में कोई बदलाव नहीं आया, जो तो कल शब्द जो है वो बच्चों वो अविकारी शब्द है, जिनको अव्यय शब्द भी कहते हैं। अब विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संज्ञापद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इस प्रकार बच्चों व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर हम शब्दों के भेदों को इस तालिका के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यह तालिका बना भी सकते हैं ताकि आपको याद करने में सरलता हो। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी के अंतर्गत आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो अविकारी में आएंगी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब है बच्चों इसके बाद
अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो बच्चों, इनको हम कल सीखेंगे अर्थ के आधार पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।